Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetan and I welcome you all to our daily dose series. आज के सेशन में यार हम एक ज्योमेट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल विद एंगल बीएसी 90 डिग्री. अ सर्कल इज टेंजेंट टू द साइड्स एबी एंड एसी एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, सच दैट द पॉइंट्स ऑन द सर्कल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक्स एंड वाई बोथ लाई ऑन द साइड बीसी, राइट? We are given that AB is 6 and we need to find the area of the portion of the circle that lies outside the triangle. तो भाई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें डायग्राम तो बनाना पड़ेगा. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है? अब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल एट ए एंगल बी ए सी 90 डिग्री हमें गिवन है. अ सर्कल इज टेंजेंट टू द साइड्स ए बी एंड ए सी एट एक्स एंड वाई जैसा फिगर में दिख रहे हैं. सो दैट द पॉइंट्स ऑपोजिट टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू दिस, लेट्स एज्यूम इट टू बी एक्स डैश एंड लेट्स एज्यूम इट टू बी वाई डैश, राइट? They are on the side BC. AB is given to be 6. We need to find the portion of the circle that lies outside the triangle. मतलब हमें ये वाला shaded portion चाहिए, ठीक है? तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर है ना, सबसे पहले तो एक बच्चे गलती करते जो है वो ABC को isosceles मान लेते, मतलब इसको 45 डिग्री मान लेते हैं. ऐसा कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं, पहली चीज, ठीक है? दूसरा, शायद हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री होगा, वो एक अलग सिनेरियो है. या तो प्रूव करो है ना, या फिर हम इसे डायरेक्टली ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते. अब देखते हैं, वाई पर मैंने परपेंडिकुलर, मतलब वाई लेट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. एक्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. अब क्लियरली एक्स एक्स डैश इज पैरेलल टू एसी. एक्स एक्स डैश एंड एसी दे बोथ आर पैरेलल, होपफुली ये सबको दिखना चाहिए, ठीक है? अगर ये पैरेलल है तो जो भी एंगल होगा, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल. इफ दिस इज एंगल theta, so this should also be theta. Similarly, kya y y dash is parallel to AB? Because dono perpendicular the, A par bhi perpendicular tha, B par bhi. So if this angle is alpha, this angle should be alpha. Ye dono angle alpha hone chahiye, right? Mere khayal mein se yahan tak clear hona chahiye. But since x x dash and y y dash, x x dash and y y dash, they are diameter. Wo diameter the. तो वी कैन से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट शुड बी सेंटर ओ ऑफ द सर्कल. एंड लेट्स अज्यूम ओ वाई इज रेडियस. तो ओ वाई विल बी रेडियस, ओ एक्स विल बी रेडियस, ओ वाई डैश विल बी रेडियस, ओ एक्स डैश विल बी रेडियस. तो क्लियरली सिंस ओ एक्स डैश इज इक्वल टू ओ वाई डैश एंड दैट इज इक्वल टू आर, तो वी कैन से दिस विल इम्प्लाई थीटा इक्वल टू अल्फा एंड दैट शुड बी 45 डिग्री. अब यहां से हमने वो कंक्लूड किया जो पहले आप लोग एज्यूम कर रहे थे बहुत सारे बच्चे कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया, ठीक है? अब ऑल वी आर इंटरेस्टेड इन आर. अब ये तो हमें पता है एंगल 90 डिग्री है. अगर हमें रेडियस आर की वैल्यू पता लग जाए, ये आर अगर हमें पता लग जाए, तो हम ये शेडेड पोर्शन निकाल सकते हैं ना. ये क्वार्टर सर्कल का बाहर वाला सेगमेंट है, राइट? तो एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर का 1/4 क्वार्टर सर्कल है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो दैट विल बी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ आर स्क्वायर. तो ऑल वी नीड इज आर. अगर हमें आर पता लग जाएगा देन वी विल गेट द आंसर, ठीक है? अब हमें सारी एनर्जीज लगानी कि हमें आर कैसे निकालें. यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं वाई वाई डैश से, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई डैश, कैन आई से लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, कैन आई से वाई डैश एम दैट इज इक्वल टू ओ एक्स एंड दैट इज नथिंग बट आर. ये आर होगा. Clearly alpha was 45 degree, so can I say y dash m is also equal to mb, right? Which should be equal to r, and also xm that should be equal to o y dash. Xm jo length hai that should be equal to o y dash, and that should also be equal to ax because that is nothing but o y, hai na? Ax bhi hamara o y ke equal hoga. So this is r and MB हमने अभी निकाला, this is also R. So can we say AB is nothing but 3R? And AB का length हमें given था 6, तो 3R equals to 6, तो we can definitely say that R is 2, radius 2 होगा. And just substitute the value of R equals to 2 over here, ठीक है? R को अगर हम 2 put करेंगे, तो what we will get? Pi into 4 upon 4 pi minus 4 upon 2, 2. So, pi minus 2 will be the correct answer for this question. तो देखो ये एक टिपिकल, एक मतलब इजी क्वेश्चन था,
बट यस, इसमें गलती, ऑल्दो मतलब गलती कह लो या मिसकंसेप्शन कह लो, यहाँ पर क्वेश्चन देखकर बच्चे एज्यूम कर लेते हैं कि एबीसी एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑल्दो उस एजम्पशन से आंसर तो करेक्ट आएगा ही, बिकॉज फाइनली ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, बट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वाई दिस इज आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो होपफुली अभी पूरा ए टू जेड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। सो वी विल मीट यू टुमारो ना इन द नेक्स्ट सेशन विद अ डिफरेंट विद अ न्यू डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपने एंजॉय किया होगा आज का क्वेश्चन। तो ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है ना आईयूपीएम में काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो आईयूपीएम का डेट भी काफी क्लोज है, तो आईयूपीएम के लिए हम एक लास्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस विल बी द लास्ट चांस फॉर यू टू क्लियर आईयूपीएम। तो इस बैच में डिटेल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी टोटल देयर विल बी 40+ लाइव लेक्चर्स, ठीक है। बेसिकली सारे सारे के सारे दिन हम आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, राइट। 40+ लाइव लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3 जुलाई। 3 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी 12 आरएमओ लेक्चर्स। 7 के 7 डेज हम आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। क्लासेस 6 डेज अभी क्लास रहेगी। क्लास का ये टाइम है 6:30 to 8 PM, एंड एवरी संडे देयर विल बी टेस्ट, राइट। कंप्लीट आईयूपीएम का सिलेबस रहेगा फ्रॉम बेसिक्स टू टिल आरएमओ लेवल, हम इसमें कवर करेंगे। थ्योरी रहेगी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे, और काफी सारे जैसे हमने आज क्वेश्चन किए इस टाइप के काफी अमेजिंग से क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर विल बी 7 पार्ट टेस्ट, 5 फुल टेस्ट, एंड आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी दैट विद ऑल्सो वीडियो सोल्यूशन। सारे असाइनमेंट्स के आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, राइट। स्टार्ट डेट है भैया जुलाई 3। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज शायद मेरे पीछे ये वाली स्टार्ट डेट छुप गई है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चंस में, या आप कोई भी एडिशनल कंटेंट कर रहे हो उसमें आपका कोई डाउट आ रहा है, तो देयर विल बी टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग ऑल्सो। आप अपने डाउट्स टेलीग्राम पे पोस्ट करो, विद इन 24 आवर्स आपको आपके डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी एन एडिशनल कैंप जिसमें आपको बहुत सारे और फर्दर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो एक कंप्लीट पैकेज है यार, ये काफी इंटरेस्टिंग सा कोर्स रहेगा, ये काफी मजा आएगा आपको। अगर आपका टारगेट आईयूपीएम है और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, तो ट्रस्ट मी दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू टू क्लियर आईयूपीएम, राइट। द एंटायर बैच विल बी टेकन बाय अभय सर, ठीक है। पूरे के पूरे 40 लेक्चर्स अभय सर लेंगे, राइट। एंड अब देखो एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। तो इस कोर्स का प्राइस 6,000 है, राइट। बट हाँ, मतलब यू कैन गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट बाय अप्लाइंग द कूपन CGPRO, एंड द फाइनल प्राइस विल बी 5,400। तो भाई टाइम ज्यादा मत वेस्ट करो, जो भी अगर आप आईयूपीएम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली वो जेई में तो हेल्पफुल रहता ही है, राइट। आईएसआई में भी हेल्पफुल रहता है। तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, एंड द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of July। तो भाई 3rd जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और टिल आईयूपीएम आप लोगों के साथ रहेंगे। जिन बच्चों का आईयूपीएम क्लियर हो जाएगा उनके लिए आरएमओ और इनमो का बैच दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो इस बैच में एनरोल होंगे तो, राइट। तो ये मत सोचना कि सिर्फ आईयूकेम का चांसेस है, अगर आपका आईयूकेम क्लियर होता है तो डेफिनेटली आप आरएमओ और इनमो तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, राइट। तो आई होप आपको इस बैच में मिलेंगे जल्दी से ही, है ना। तो नेक्स्ट डेली डोज में मिलते हैं अब हम। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।